Realme का C55 स्मार्टफोन, ये जो स्मार्टफोन है 7 मार्च को लॉन्च होने वाला है। बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, क्या क्या इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है भाई, इसमें आईफोन को कॉपी कर लिया गया है, एप्पल को कॉपी कर लिया गया। आईफोन 14 में जो डायनेमिक आइसलैंड देखने को मिला था वो इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बट जो एप्पल का डायनेमिक आइसलैंड है उसमें आपको बहुत से फीचर देखने को मिलेगी, टाइम, बैटरी चार्ज, बहुत ऐसे फीचर देखने मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें सिर्फ एक बैटरी चार्ज का ही ऑप्शन, अभी तक जो फोटो निकल के आई है सिर्फ उसमें चार्जर का ही दिख रहा है भाई। इसमें आपको चार्जर नोटिफिकेशन आएगा, बाकी भाई कॉल का या मैसेज का उसमें आता कि नहीं आता देखने वाली बात है। तो सबसे पहले ये जो स्मार्टफोन है ये मिड रेंज होगा, मतलब ज्यादा ही मिड रेंज, 12-13 या 14-15 हजार तक की रेंज में ये स्मार्टफोन होगा। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, ये स्मार्टफोन थोड़ा थिकनेस में होगा, 7.89 mm की थिकनेस के साथ ये स्मार्टफोन आएगा। फोन की डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में आपको 6.72 इंच की फुल HD प्लस 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने को मिलेगी। डिस्प्ले साइज काफी बड़ा होगा भाई, एक हाथ से तो नहीं चलेगा स्मार्टफोन, मतलब इजिली नहीं चलेगा, चलाने वाले चला लेंगे। अब बहुत ज्यादा कंटेंट देखते हो, मतलब यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, बहुत ज्यादा देखते हो, फिल्में, वेब सीरीज देखते हो, तो भाई आपके लिए एक अच्छा स्मार्टफोन है, बड़ी डिस्प्ले के साथ आएगा, फिल्म देखने वाला एक्सपीरियंस बेहतरीन कर देगा। 680 निट्स की इसमें पीक ब्राइटनेस है, मतलब आप बाहर जाओ अंदर जाओ आपको ब्राइटनेस देखने को अच्छी मिलेगी। पंच होल डिस्प्ले में आपको 8 MP कैमरा तो मिल जाएगा, बट डायनेमिक आइसलैंड भी इसमें देखने को मिलेगा। आईफोन को कॉपी कर लिया है इन्होंने, लेकिन जो रियलमी वाले इसको मिनी कैप्सूल के नाम से बुला रहे भाई, मिनी कैप्सूल, कैप्सूल मतलब। इसकी बैक साइड की बात करें तो इसमें ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाएगा, 64 MP का मेन कैमरा होगा और बाकी तो भाई 2 MP का होगा डेप्थ या माइक्रो कैमरा होगा। फोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसको चार्ज करने के लिए 33W का चार्जर साथ में आएगा। साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, मतलब भाई पावर बटन होता है उस पर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके प्राइस की, तो भाई ये जो स्मार्टफोन है 2 वेरिएंट में लॉन्च होगा, जो लोएस्ट होगा वो 12,000 तक की में होगा, हायर वेरिएंट जो होगा 15,000 तक का हो सकता है, बाकी तो भी लॉन्च डेट के दिन पता चलेगा कौन सा वेरिएंट कितने प्राइस में है। बाकी आप बताओ कि भाई इस स्मार्टफोन में आपको क्या खास लगा। खास तो भाई डायनेमिक आइसलैंड होगा, हवाबाजी करने में बहुत मजा आएगा भाई, आईफोन की कॉपी करने में, मतलब मजा तो सबको आता है भाई, आईफोन की कॉपी या आईफोन किसी की कॉपी कर ले, मतलब कॉपी तो भाई चलती रहती है, हम भी किसी की कॉपी करें चलती रहती है, जैसे एग्जाम में कॉपी करते हैं, ये शुरू से चलता है भाई, बचपन से ही कॉपी चलता है, तो सभी करते हैं कॉपी, लोग इसको इंस्पिरेशन भी कह देते हैं। चलो इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ कंपनियां करती हैं, करना भी चाहिए। बाकी आप बताओ कि आपको कैसा लगा ये स्मार्टफोन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और आपके हिसाब से क्या प्राइस हो तो ज्यादा बेटर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।